दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपनी प्लेइंग 11 की किए ऐलान। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताएंगे कि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ क्या रहने वाली है चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे, चेन्नई सुपर किंग्स का अगला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होने वाला है, जो चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों यह मुकाबला 10 मई को शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। दोस्तों जैसा कि चेन्नई सुपर किंग्स अपना पिछला मुकाबला मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेली थी, जिसमें चेन्नई ने 6 विकेटों से शानदार जीत अपने नाम की थी, वहीं दिल्ली कैपिटल्स भी अपने पिछले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हराकर अपने नाम शानदार जीत दर्ज की है। ऐसे में दोस्तों यह मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि चेन्नई अभी तक कुल 11 मुकाबले खेली है, जिसमें से 6 मुकाबलों में जीत मिली है तो वहीं 4 मुकाबलों में हार मिली है और चेन्नई पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर है। दोस्तों चेन्नई अगर इस मुकाबले को जीतती है तो चेन्नई प्ले ऑफ में लगभग अपनी जगह पक्की कर लेगी। तो चलिए दोस्तों बताते हैं दिल्ली के खिलाफ क्या रहने वाली है चेन्नई की प्लेइंग 11। लेकिन उससे पहले अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए और क्रिकेट से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग में डेवन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ खेलते नजर आएंगे, जो अपनी टीम को एक शानदार शुरुआत दिलाते हैं। वहीं तीसरे नंबर पर अजिंक्य रहाणे खेलने वाले हैं, जो अभी बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, जबकि चौथे नंबर पर शिवम दुबे खेलेंगे, जो मैदान पर आते ही छक्के चौकों की बरसात करने लगते हैं। इसके बाद पांचवें नंबर की बात करें तो बेन स्टोक्स को मौका मिल सकता है, क्योंकि अब वो पूरी तरह से फिट हो चुके हैं, जबकि छठवें नंबर पर मोइन अली खेलते नजर आएंगे, जो एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन अभी तक ये कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। वहीं सातवें नंबर पर रविंद्र जडेजा खेलेंगे, जो अपने गेंदबाजी में कमाल और बल्लेबाजी में धमाल मचा रहे हैं, जबकि आठवें नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी खेलेंगे, जो आखिरी के बचे कुछ ओवरों में शानदार बल्लेबाजी करते हैं। वहीं नौवें नंबर पर दीपक चहर की बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिलेगी, जबकि दसवें नंबर पर मतीसा पतिराना और ग्यारहवें नंबर पर तुषार देशपांडे खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, यह मुकाबला कौन जीतेगा, चेन्नई सुपर किंग्स या दिल्ली कैपिटल्स? हमें कमेंट में जरूर बताएं।